हेलो एवरीवन, आई एम अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net और गूगल एड सीरीज के इस पार्ट में हम लोग गूगल एड्स के एक धमाकेदार ऑप्शन के बारे में जानने जा रहे हैं जिसे बोलते हैं परफॉर्मेंस प्लानर। परफॉर्मेंस प्लानर आपके आने वाले गूगल एड्स कैंपेन की परफॉर्मेंस के बारे में फोरकास्ट कर सकता है, आपको बता सकता है कि किस तरह के ऑप्शन को यूज करके आप अपने गूगल एड कैंपेन को बेटर तरीके से रन कर सकते हैं और किस तरह के रिजल्ट निकाल सकते हैं। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और गूगल एड्स के इस परफॉर्मेंस प्लानर को जानते हैं, समझते हैं, देखते हैं और यूज करने का तरीका भी सीखेंगे। तो हम आ चुके हैं गूगल एड्स के डैशबोर्ड में और परफॉर्मेंस प्लानर को अगर आप ढूंढना चाहते हैं तो सबसे जो आसान तरीका है वो सीधे सीधे यहीं पर सर्च करना शुरू कर सकते हैं आप परफॉर्मेंस, एंड देन आपको परफॉर्मेंस प्लानर दिखाई देगा। बट अगर आप थोड़ा सा मैनेज करना चाहते हैं, उस डैशबोर्ड को मास्टर करना चाहते हैं, तो आपको मैनुअली पता होना चाहिए कहां से आप ढूंढ सकते हैं, द ओल्ड स्कूल वे। तो यहां पर आप टूल्स पे आएंगे, प्लानिंग वाले सेक्शन, बिकॉज परफॉर्मेंस प्लानर कहां होगा, प्लानिंग में ही होगा, राइट? तो हम आ गए यहां पर कीवर्ड प्लानर की जगह परफॉर्मेंस प्लानर पर क्लिक कर देते हैं। अब आई नो कीवर्ड प्लानर के लिए आप लोग पूछेंगे, कीवर्ड प्लानर के लिए हम एक और वीडियो कर लेंगे, राइट? अलग अलग चैप्टर्स में वीडियो कर रहे हैं ताकि आपको एक साथ पूरा एक घंटे का या 10 घंटे का वीडियो ना देखना पड़े, आप एक एक टॉपिक के लिए अलग से ढूंढ पाए। नाउ यहां पर आप परफॉर्मेंस प्लानर सेक्शन में आ गए हैं और परफॉर्मेंस प्लानर सेक्शन में क्रिएट अ प्लान बटन पर क्लिक कर सकते हैं या फिर आप यहां पर सीधे इस प्लस बटन पर क्लिक कर सकते हैं। इस अकाउंट में अभी तक कोई भी परफॉर्मेंस प्लान नहीं बनाया गया इसलिए यहां पर नहीं दिखाई दे रहा है। नाउ परफॉर्मेंस प्लानर टूल का यूज क्या है? नाउ मान लेते हैं कि आपने एक कैंपेन रन करना शुरू किया, आपको कुछ क्लिक्स मिल रहे हैं, कुछ कन्वर्जन मिल रहे हैं, आपने कुछ लेट से 1-1.5 लाख रुपए का बजट पिछले एक महीने के अंदर खर्च किया है, एंड नाउ यू वांट टू सी, और मे बी आपके क्लाइंट आपसे पूछ रहे हैं कि यार ठीक है 1 लाख का बजट स्पेंड किया, मेरे को 5 लाख का मुनाफा हुआ है, या मैंने लेट से 1,000-2,000 सेल की है, अगर मैं 2 लाख रुपए खर्च करता हूं या मैं अगर 3 लाख रुपए खर्च करता हूं तो मुझे कितना बेनिफिट होगा। नाउ ऐसा नहीं होगा कि अगर आपने 1 लाख रुपए में 5,000 प्रोडक्ट्स को सेल किया है तो अगर आप 2 लाख रुपए खर्च करते हैं तो आप 10,000 प्रोडक्ट को सेल करेंगे। इट्स नॉट नेसेसरी बिकॉज इसमें बहुत सारे वेरिएबल हैं। मे बी अगले महीने ट्रैफिक ऊपर नीचे हो जाएगा, या मे बी अगर आप डेली बजट को इंक्रीज कर रहे हैं तो हो सकता है आपको ज्यादा सेल मिल सकती है। ये सारी चीजें आपको कौन बताएगा? गूगल बता सकता है बेटर तरीके से, बिकॉज उनके पास ऑलरेडी डेटा है, उनके पास ट्रैफिक का डेटा है, उनके पास मशीन लर्निंग एल्गोरिथम की पावर है, और उनके पास बाकी दूसरे एडवर्टाइजर्स का भी डेटा है जो आपके एरिया में या दूसरी कंट्रीज में आपके जैसे प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं। लोग ऑलमोस्ट सेम तरीके से बिहेव करते हैं अगर आप बहुत ज्यादा डेटा को एक्सेस कर पाए, उसको एनालाइज कर पाए। सो परफॉर्मेंस प्लानर इसी काम में हमारी हेल्प करता है। हम यहां पर सबसे पहले आ जाते हैं और क्रिएट प्लान बटन पर क्लिक करते हैं, क्रिएट प्लान बटन पर क्लिक करते हैं, या फिर आप इस प्लस बटन को क्लिक करके भी सेम काम को अचीव कर सकते हैं। यहां पर आने के बाद आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपसे डेट मांगी जा रही है। डेट यानी कि किस डेट के लिए आप ये प्लान बना रहे हो। जो भी प्लान आप बनाना चाहते हो परफॉर्मेंस के लिए, लेट से अगर आप यू नो बजट इंक्रीज करना चाहते हो और आप देखना चाहते हो कि आपको कितनी सेल मिलेंगी, या आप कितने महीनों के लिए अगले बजट रेज करना चाहते हो, सिर्फ 1 हफ्ते के लिए, 1 महीने के लिए, 1 साल के लिए, या फिर आप कस्टम डेट यहां से डिसाइड कर सकते हो। जो बाय डिफॉल्ट यहां पर डेट सेट हुई है वो है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी कि 3 महीने के लिए, 1 क्वार्टर सेलेक्ट कर लिया। ओके, इसके बाद यहां पर चैनल पूछे जा रहे हैं। ये चैनल के ऑप्शन इस बात पर डिपेंड करते हैं कि अभी आपके इस अकाउंट में जहां पर आप ये परफॉर्मेंस का प्लान बना रहे हो इसमें कितने टाइप के एलिजिबल कैंपेन हैं। कैंपेन की एलिजिबिलिटी परफॉर्मेंस प्लान के लिए है जिसमें एक मिनिमम टाइम तक आपके एड कैंपेन चल जाने चाहिए, एक मिनिमम इंप्रेशन होने चाहिए, मिनिमम लेवल ऑफ यू नो कन्वर्जन होने चाहिए या क्लिक होने चाहिए, मतलब इतना डेटा हो मिनिमम जिसके बेस पर कुछ प्रोजेक्शन आगे कर सके गूगल एड्स, है ना। आप भविष्य तभी बता सकते हैं जब आपको पुराना कुछ भूतकाल का कुछ पता है, अगर आपको हिस्ट्री नहीं पता तो आप फ्यूचर में भी नहीं जा सकते आगे। सो आपके अकाउंट में, आपके कैंपेन में कुछ हिस्ट्री होना जरूरी है, मिनिमम लेवल ऑफ डेटा होना जरूरी है। ये जो आप यहाँ पर पेज में मिनिमम लेवल ऑफ डेटा देख रहे हैं, रिक्वायरमेंट देख रहे हैं, इस पूरे पेज का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप जाकर आगे ज्यादा पढ़ सकते हैं। बट बेसिकली अगर आपको सर्च टाइप के एड्स को सिलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा है बिकॉज इस अकाउंट में सर्च कैंपेन उतने चले नहीं है, अगर मैं दूसरे अकाउंट पर आने के बाद यहां पर क्लिक करता तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर सर्च मिल रहा है, परफॉर्मेंस नहीं मिल रहा है, डिस्प्ले नहीं मिल रहा है, बिकॉज परफॉर्मेंस और डिस्प्ले वाले कैंपेन अभी उस लेवल पर नहीं चले हैं, ठीक है, उन पे के पास इनफ डेटा नहीं है। सो यहां पर पहले डेमो अकाउंट में परफॉर्मेंस मैक्स यहां पर सिलेक्टेड है बिकॉज परफॉर्मेंस मैक्स टाइप के कैंपेन ही चले हैं। इसके बाद आ जाता है की मेट्रिक को सिलेक्ट करने का ऑप्शन। की मेट्रिक में भी आपको वही ऑप्शन मिलेगा जो एक्चुअली में आपने अपने कैंपेन में यूज किया है। अभी तक इस अकाउंट में परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन चलाते वक्त हमने कन्वर्जन पर ही फोकस किया, कन्वर्जन वैल्यू को यूज नहीं किया,
बिकॉज कन्वर्जन वैल्यू को हमने यूज नहीं किया है तो कन्वर्जन वैल्यू टाइप का डेटा नहीं है गूगल एड्स अकाउंट में इस वाले में, तो इसीलिए आप कन्वर्जन वैल्यू के लिए आगे प्रोडिक्शन भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, हमने कन्वर्जन को सिलेक्ट कर लिया। कन्वर्जन को सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं, क्या किस बेस पर आप प्रोडक्शन चाहते हो। डू यू वॉन्ट बेस्ड ऑन कन्वर्जन गोल्स, यहां पर सेलेक्ट कर लेता हूं इसे। ठीक है, क्या है कन्वर्जन गोल। राइट नाउ इस प्लान में हमने लीड फॉर्म को सबमिट करने वाला सेलेक्ट किया था, तो हम लीड फॉर्म को सेलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको जो भविष्यवाणी मिलेगी, जो आपको प्लान मिलेगा, वो आपके लीड फॉर्म को ज्यादा सबमिट कराने की तरफ आगे मिलेगा। इसे अभी फिलहाल के लिए मैं हटा देता हूं, ज्यादा पॉपुलर चॉइस को देखता हूं जो है टारगेट फॉर योर प्लान। यहां पर मैं खुद से सेलेक्ट कर सकता हूं कि मेरा अपना जो मैं प्रोजेक्शन देखना चाहता हूं, प्लान देखना चाहता हूं, उसका टारगेट क्या होगा, क्या अचीव करना चाहते हो आप। यहां पर बाय डिफॉल्ट नो टारगेट है, दिस इज एन ऑप्शनल थिंग, राइट। दोनों ही ऑप्शनल हैं, अगर आप नहीं दोनों को सेलेक्ट करते हैं तो भी काम चल जाएगा, गूगल फिर भी आपको प्रेडिक्ट करके देगा। लेकिन अगर यहां पर मेरे पास ऑप्शन है कन्वर्जन स्पेंड और एवरेज सीपीए, राइट, लेट्स से फॉर एग्जांपल कि अभी राइट नाउ मेरे अकाउंट में जो भी मैं परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन चला रहा हूं उसमें सीपीए कॉस्ट पर एक्शन ऑलमोस्ट $10 आ रहा है, अगर मैं उसे $20 तक कर दूं तो मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा, राइट। या अभी अगर मुझे राइट नाउ अपने एड अकाउंट से मेरे को पर मंथ 100 कन्वर्जन मिल रहे हैं, अगर मैं 20 कन्वर्जन लाना चाहता हूं पर मंथ तो मुझे क्या करना चाहिए, वट इज दैट चेंज दैट आई हैव टू डू कि मुझे पर मंथ 200 कन्वर्जन मिले 100 की जगह। तो जो भी आपका एस्पिरेशन, जो भी आपका टारगेट है, वो आपको यहां देना पड़ेगा, या तो आप कन्वर्जन दे दें या स्पेंड दे दें या एवरेज सीपीए दे दें। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी $1000 पर मंथ स्पेंड कर रहा हूं और मैं जानना चाहता हूं कि अगर मैं $2000 पर मंथ स्पेंड करने लगूं इस एड अकाउंट में तो क्या मिलेगा मुझे रिजल्ट, ऑल ऑफ दोज इन्फॉर्मेशन विल बी अवेलेबल फॉर यू एक बार जब हम प्लान बनाते हैं। सो आप डिसाइड कर लें क्या चीज आपको चाहिए, किस चीज को आप टारगेट बनाना चाहते हो। इस पर्टिकुलर डेमो के लिए मैं कन्वर्जन का टारगेट बनाना चाहता हूं। ठीक है, कन्वर्जन का टारगेट मेरा क्या है कि मेरे को 200 कन्वर्जन चाहिए, 200 कन्वर्जन इस डेट रेंज के लिए। इसके बाद यहां पर नीचे आपको कैंपेन मिल रहा है। अब यहां पर राइट नाउ मेरे पास एक ही कैंपेन है इस अकाउंट में, ठीक है, तो मैं इसे सेलेक्ट कर लूंगा। ओके, अगर आपके पास एक से ज्यादा कैंपेन एलिजिबल कैंपेन्स हैं तो आप उन सारे कैंपेन्स को सेलेक्ट कर सकते हैं और फिर गूगल एड्स यहां भी आपको बता सकता है, इन्फॉर्मेशन दे सकता है कि किस अकाउंट में क्या चेंज करेंगे ताकि हमारा ओवरऑल टारगेट अचीव हो जाए। मे बी आपको एक कैंपेन का खर्च या सीपीए या कुछ भी और कम करने के लिए सजेशन दे सकता है, किसी का ज्यादा करने के लिए दे सकता है। दिस इज ऑल मशीन लर्निंग बेस्ड, तो आपको रिकमेंडेशंस मिलेंगी गूगल की तरफ से अलग अलग टाइप की। सारे टाइप इनफैक्ट यहां पर दिखाई भी नहीं जा सकते बिकॉज ऑल ऑफ द सजेशंस आर वेरी वेरिएबल। तो यहां पर अभी हमने फिलहाल सेलेक्ट कर लिया है एक कैंपेन, जो कि अभी एलिजिबल एक ही कैंपेन यहां पर हमारे पास है। और यहां पर जो मैंने टारगेट सेट किया वो कन्वर्जन सेट किया, 200 कन्वर्जन चाहिए मुझे। मैं क्रिएट बटन पर क्लिक करता हूं, थोड़ा सा ये गणित लगाएगा, अपने डेटा को लेकर एनालाइज करेगा और अब यहां पर ये हमें सजेशन दे रहा है। सजेशन क्या दे रहा है कि जो एवरेज एस्टिमेटेड अगर आपको चाहिए 200 कन्वर्जन तो आपको टोटल कितना खर्च करना पड़ेगा, 2.89,000 यानी कि 2,890 ऑस्ट्रेलियन डॉलर मुझे खर्च करने पड़ेंगे। ठीक है, ऑलमोस्ट 3,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर अगर मैं खर्च करता हूं तो मुझे 200 कन्वर्जन मिल सकते हैं। मेरा एवरेज सीपीए क्या होगा, $14.47 का। ठीक है, यहां पर आपको दो डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, ब्लू और ग्रे। ग्रे है अभी राइट नाउ की सेटिंग, सो यहां पर अभी जो मैं करंट मेरा स्पेंड है इस अकाउंट में वो ज्यादा है और मैंने जो टारगेट सेट किया है वो कम सेट किया है, इसीलिए ये ब्लू डॉट मुझे पीछे दिखाई दे रहा है। सो होना क्या चाहिए, आपकी जो एस्पिरेशन, आपका टारगेट है वो और ज्यादा होना चाहिए। तो यहां पर मैं अभी चेंज भी कर सकता हूं, यहां पर मैं इस मीट्रिक को 200 की जगह 400 कर देता हूं। आई वॉन्ट टू फाइंड आउट कि अगर मुझे 400 कन्वर्जन चाहिए तो मुझे कितना स्पेंड करना पड़ेगा, क्योंकि 257 तो मुझे ऑलरेडी मिल रहा है। मैं यहां पर अप्लाई बटन पर क्लिक कर देता हूं और अब मुझे पता लगेगा कि मैं कितना खर्च कर सकता हूं। सो मैं अगर खर्च करता हूं 3.74,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर तो 257 कन्वर्जन मुझे मिलेंगे, इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। सो आई डोंट नीड टू स्पेंड मच मोर। ओके, अगर यहां पर नीचे हम आते हैं सजेशंस देखते हैं कि गूगल एक्चुअली में सजेशन क्या दे रहा है, सजेस्टेड चेंजेस क्या हैं। इसको अचीव करने के लिए मुझे अपना डेली बजट जो है वो रखना है 40.64 या ज्यादा। अगर मैं 41 ऑस्ट्रेलियन डॉलर का पर डे का बजट स्पेंड रखता हूं तो मैं इस टारगेट को अचीव कर सकता हूं। ओके, मिनिमम यहां पर आपको अपने प्लान को एक नाम देने का ऑप्शन मिल रहा है, आप फोरकास्ट का पीरियड चेंज कर सकते हैं और आप कन्वर्जन गोल वगैरह को यहां पर चेंज कर सकते हैं।
ये था परफॉर्मेंस मैक्स वाला सिर्फ टाइप। एक दूसरे अकाउंट में जाकर कुछ और चेंजेस भी हम करके देखते हैं। सो हम यहाँ पर एक दूसरे अकाउंट के अंदर हैं और यहाँ पर मैं जब क्रिएट अ न्यू प्लान बटन पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगेन मुझे सेम ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पर मैं डेट सेलेक्ट कर सकता हूँ किस डेट रेंज के लिए मैं इस प्लान को बना रहा हूँ। राइट, नेक्स्ट ईयर तक जाने का आपके पास ऑप्शन है, बट लेट्स नॉट प्लान दैट लॉन्ग। राइट, जिंदगी छोटी है, प्लान लंबा नहीं होना चाहिए। चैनल में यहाँ पर आपको सर्च का ऑप्शन मिल रहा है, मैं सर्च को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर मेरे पास की मेट्रिक के ऑप्शन काफी सारे हैं। राइट, वहां पर सिर्फ कन्वर्जन था, यहाँ पर मेरे पास कन्वर्जन है, कन्वर्जन वैल्यू है और क्लिक है, बिकॉज हम इन तीनों को यूज कर चुके हैं अलग अलग कैंपेन्स में। ठीक है, और यहाँ पर मैं तीनों के लिए गोल बना सकता हूँ। नाउ इसके बाद यहाँ पर सेट अ टारगेट फॉर योर प्लान, यानी कि इस प्लान पीरियड के दौरान, इस ड्यूरेशन में मैं किस चीज को फोकस करना चाहता हूँ, व्हाट आई एम टारगेटिंग, क्लिक्स, स्पेंड या एवरेज सीपीसी। राइट, किस चीज को मैं अचीव करना चाहता हूँ। लेट्स से आई वांट टू टारगेट द स्पेंड। ठीक है, मैं पूरे इस तीन महीने की ड्यूरेशन में कितना स्पेंड करना चाहता हूँ और उस स्पेंड के एवरेज में मेरे को क्या रिजल्ट मिलेगा। सो यहाँ पर तीन महीने का हमारा पीरियड है, अगर मैं 6 लाख रुपीज यहाँ पर एंटर कर देता हूँ, यानी कि अगले तीन महीने के दौरान मैं 6 लाख रुपए खर्च करूंगा और 6 लाख रुपए के बदले मुझे किस तरह के रिजल्ट मिलेंगे, आई वॉन्ट टू सी इन दिस प्लान। तो मैंने यहाँ पर 6 लाख रुपए एंटर कर दिया और इसके बाद ये चेंजेस किस किस कैंपेन में मुझे करके देखने हैं। यहाँ पर तीन कैंपेन मुझे दिखाई दे रहे हैं जो कि एलिजिबल है। ये जो एक थर्ड कैंपेन है इसमें थोड़ा सा अभी ये एक्सक्लेमेशन मार्क दिखाई दे रहा है बिकॉज इसको अभी और डेटा चाहिए, बट दो कैंपेन अवेलेबल है जिन पर मैं इस प्लान को एक्चुअली में करके इंप्लीमेंट करके देख सकता हूँ। यहाँ पर 11 कैंपेन्स आरंट एलिजिबल टू फोरकास्ट दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि ये और कैंपेन है लेकिन ये एलिजिबल नहीं है, इसके लिए गूगल फोरकास्ट नहीं दे सकता, इसके लिए आपको कोई प्लान नहीं बता सकता है। ठीक है, अब ये किसी वजह से हो सकते हैं, हो सकता है डिसेबल है, हो सकता है इन्हें रिमूव कर दिया गया है, हो सकता है इन पर इनफ बजट नहीं स्पेंड हुआ है, हो सकता है इनकी एज कम है, हो सकता है इन पर इनफ इंप्रेशन और क्लिक्स नहीं है। जो भी है वो इस पन्ने से आपको पता लग जाएगा, इस पेज का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर दो कैंपेन मैंने सेलेक्ट कर लिए और दो कैंपेन को सेलेक्ट करने के बाद मैं क्रिएट बटन पर क्लिक कर देता हूं। अगेन यहां पर डेटा को थोड़ा चर्न किया जाएगा और चर्न करने के बाद यहां पर आपको मिल जाता है अभी राइट नाउ क्या सिनेरियो है, ये ब्लू डॉट मेरा अभी का सिनेरियो है। ठीक है, अभी मुझे 1,420,000 क्लिक्स मिल रहे हैं, स्पेंड कितना कर रहा हूं मैं 92,000। ओके, ये एग्जिस्टिंग सेटिंग है। अभी अगर मैं दिए हुए गूगल के सजेशन को जो मैं अगर फॉलो कर लेता हूं तो ऑलमोस्ट 1,74,000 क्लिक करने पर 2,310,000 क्लिक मिल सकते हैं। एवरेज सीपीसी क्या होगा, 75.28 रुपीज। ठीक है, नीचे आ जाते हैं, क्या सजेशन दे रहा है, इन दोनों कैंपेन्स के लिए सजेशन एक साथ मिल रहा है। व्हाट डू आई नीड टू डू, इस कैंपेन में मुझे अपने डेली बजट को 500 रुपए से बढ़ाकर 1,037 रुपए 1,037.48 रुपीज एट मिनिमम और हायर करना होगा डेली बजट को। यहां पर डेली बजट को बढ़ाकर 500 रुपीज से बढ़ाकर 866 रुपीज करना होगा। सो दिस इज नॉट जस्ट टेलिंग यू कि आपको यू नो जस्ट इस अकाउंट में बढ़ा दो या यहां पर कम कर दो, एग्जैक्ट आपको फिगर दे रहा है कि अगर आप 500 से रुपीज से बढ़ाकर इसको 1037 रुपीज कर देते हैं और इसको 500 से बढ़ाकर 866 कर देते हैं तो आपको ये रिजल्ट मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, विद इन ड्यूरेशन ऑफ 1 अक्टूबर टू 31 दिसंबर तक आप कितना खर्च करेंगे, 1,75,000। दिस इज मैक्सिमम, आपने 6 लाख रुपए का लिमिट दिया फिर भी उसने बता दिया कि अब ये क्योंकि लोकल बिजनेस है इस पर इससे ज्यादा खर्च नहीं करना है। नाउ यहां पर जितने भी आपको सजेशन दे रहा है गूगल, ये सारे के सारे ऑब्वियसली इनकी अपने खुद के एल्गोरिदम और इनके खुद के एनालिसिस के बेस पर है, इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट इफ योर क्लाइंट आस्क यार मैं इतना बजट खर्च करना चाहता हूँ या मुझे इस टाइप के रिजल्ट चाहिए, कितना बजट मुझे लगाना चाहिए या मैं इतना बजट खर्च करना चाह रहा हूँ, क्या रिजल्ट मिल सकते हैं, यू कैन यूज दिस परफॉर्मेंस प्लानर और आप अपने क्लाइंट को एक सेटिस्फैक्टरी आंसर दे सकते हो। यहां पर एक और चीज ध्यान में देने लायक है कि आप जब पहली बार परफॉर्मेंस प्लान करके उसी सेम टाइप के चेंजेस को अप्लाई करते हैं तो गूगल एक्चुअली में आपके प्लान और आपके कैंपेन के चेंजेस के बेस पर जो परफॉर्मेंस हो रही है उस परफॉर्मेंस को नोटिस करता है। राइट, सो आपका डेटा आपके अकाउंट में स्टोर हो रहा है और नेक्स्ट टाइम आप जब दोबारा से ये प्लान बनाएंगे तो गूगल पुराने प्लान और जो परफॉर्मेंस अचीव हुई है उन दोनों के बीच के गैप को देखकर अपने खुद के एनालिसिस को और ऑप्टिमाइज करेगा और नेक्स्ट टाइम आपको और ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस प्लान मिलेगा। सो आप जितना ज्यादा परफॉर्मेंस प्लानर
टूल को अपने अकाउंट में यूज करेंगे, उसकी परफॉर्मेंस आपके अपने अकाउंट में और ज्यादा अच्छी होती चली जाएगी। नेक्स्ट टाइम आपको और ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस प्लानर में प्लान मिलेगा, उसके बाद और ज्यादा बेटर प्लान मिलेगा। सो ओवर द पीरियड ऑफ लेट्स से एक साल दो साल के बाद जो आपके परफॉर्मेंस प्लानर की परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज हो चुकी होगी और आपको बहुत ही एक्यूरेट फोरकास्ट मिलेगी। सो इस टूल को अगर अभी तक आपने यूज नहीं किया है और आप अपने कंपनी के लिए, अपने ब्रांड के लिए, अपने बिजनेस के लिए लगातार गूगल एड्स कैंपेन को यूज कर रहे हैं, तो इसे भी यूज करें ताकि ये आपके अकाउंट के डेटा को यूज करके आपको बेटर फोरकास्ट दे सके और आप आगे चलकर ज्यादा बेटर एडवर्टाइजर बन पाए। अगले वीडियो में हम लोग गूगल एड्स के किसी और खास फीचर या फिर फंक्शन की बात करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तो ये था गूगल एड्स का परफॉर्मेंस प्लानर वाला ऑप्शन। आपको कैसा लगा, कितना यूजफुल लगा, ये आप बता सकते हैं हमें कमेंट सेक्शन में। अगले पार्ट में मिलते हैं और गूगल एड्स के रीच प्लानर वाले ऑप्शन को देखते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।